नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां जानकीपुरम सेक्टर डी स्थित जयति भारतम में श्री राम रामेश्वर ट्रस्ट के पदाधिकारी ने दृष्टिहीन छात्रों के साथ एक अनोखे अंदाज में स्वतंत्रता दिवस का 78वां जश्न मनाया। आइए देखते हैं हमारी संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की एक खास रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस पर जानकीपुरम स्थित जयति भारतम में श्री राम रामेश्वर ट्रस्ट की ओर से दृष्टिहीन छात्रों के साथ क्रिकेट मैच और मध्याह्न भोजन का आयोजन किया गया। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने परिवार संग दृष्टिहीन और दिव्यांग छात्र छात्राओं के साथ स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया। मौके पर ट्रस्ट की अध्यक्ष आभा पांडे और ट्रस्ट के पदाधिकारी ने परिवार के साथ विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से समाज की मुख्य धारा से दूर दृष्टिहीन और दिव्यांग बच्चों को जहां अपनापन का एहसास कराया, वहीं ट्रस्ट परिवार के बच्चों ने आंखों पर काली पट्टी बांधकर दृष्टिहीन छात्रों के साथ क्रिकेट मैच खेला। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे रिटायर्ड जस्टिस रंगनाथ पांडे एवं रिटायर्ड जस्टिस अनिल कुमार ने क्रिकेट मैच का शुभारंभ किया। इस दौरान दृष्टिहीन छात्रों ने अपनी प्रतिभा का जबरदस्त प्रदर्शन किया। क्रिकेट मैच के बाद ट्रस्ट परिवार के बच्चों ने दृष्टिहीन बच्चों के साथ खूब बातें की और देशभक्ति के गीत भी गाए। वहीं श्री राम रामेश्वर ट्रस्ट के लोगों ने दृष्टिहीन बच्चों को जहां स्नेह दिया, वहीं ट्रस्ट परिवार के बच्चों ने भी दृष्टिहीन बच्चों से घुल मिलकर खूब मजे किए। इस दौरान ट्रस्ट परिवार के दृष्टिहीन और दिव्यांग बच्चों को दोपहर का भोजन भी कराया गया। इस दौरान ट्रस्ट परिवार की बच्ची मेधा भारत माता के भेष में आकर्षण का केंद्र रही। ट्रस्ट परिवार ने दृष्टिहीन और दिव्यांग बच्चों के साथ ढेर सारी सेल्फी ली और दिव्यांग और दृष्टिहीन बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर ट्रस्ट की अध्यक्ष आभा पांडे ने बताया कि समाज की मुख्य धारा से विरक्त लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए वो लगातार श्री राम रामेश्वर ट्रस्ट के माध्यम से काम कर रही है। वही मौके पर जयति भारतम की संचालिका रंजना अग्निहोत्री ने बताया कि दिव्यांग छात्रों की शिक्षार्थ निःशुल्क आवासीय छात्रावास में पहुंचकर श्री राम रामेश्वर सेवा ट्रस्ट की अध्यक्षा आभा पांडे ने अपने सहयोगियों के साथ विभिन्न एक्टिविटीज के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिस तरह दृष्टिहीन और दिव्यांग छात्र छात्राओं के चेहरे पर मुस्कान बिखेरी, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम होगी। इस अवसर पर एडवोकेट डॉक्टर एलपी मिश्रा, एडवोकेट कुलदीप पति त्रिपाठी, चीफ स्टैंडिंग काउंसिल प्रशांत सिंह, डॉक्टर आरएस पांडे, वेद प्रकाश दुबे, राजकुमार शुक्ला, अनु दुबे, माधुरी शुक्ला, अंकित पांडे, स्मिता पांडे, कुमार कौस्तुभ, रमा कल्पना, कविता शुक्ला इत्यादि लोग उपस्थित रहे। वहीं क्रिकेट टीम में अविराज पांडे, कुशाग्र आयुष्मान, श्रेयस अनिश सहित अन्य बच्चों ने शिरकत की। आज पूरे देश में आज़ादी का जश्न बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम में जयति भारतम में श्री राम रामेश्वर सेवा ट्रस्ट की ओर से एक अनोखे अंदाज में स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ आज मनाई जा रही है। मज़े की बात तो है, लोग तो चारों तरफ खुशियाँ मना रहे हैं, किंतु इस संस्था के लोग आज यहाँ पर दिव्यांगजनों दृष्टिहीन बच्चों के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं और इन बच्चों के चेहरों पर खुशियाँ बिखेरने का काम किए हैं, इनके साथ भोजन किए हैं, यहाँ तक कि इन बच्चों के साथ इन जनों संस्था के सभी परिवार के लोगों के बच्चों ने क्रिकेट का टीम खेलकर एक सुखद अनुभव का एहसास किया है। इस स्वतंत्रता दिवस को लेकर आज जिस तरह से ट्रस्ट यहाँ पर एक नया आयाम स्थापित किया है, एक नया संदेश लोगों को दिए, दीदी क्या कहना चाहती हैं इस पर?
बहुत अच्छा लग रहा है और सच्चा आनंद तो यही है। वैसे तो हम लोग दुनिया में जाते हैं, इंजॉय करते हैं, लेकिन सच्चा आनंद बच्चों के साथ अच्छा लग रहा है। और ये हमारी आभा भाभी जी बहुत अच्छा कर रही हैं, सबको यहाँ पे बुला लेती हैं और इस बहाने हम देखते हैं कि बच्चे भी कितना अच्छे से कार्य कर रहे हैं। इन्होंने क्रिकेट भी खेला और जैसे इन लोग के साथ रह के हम लोग को भी बहुत सीखने को मिलता है कि कितना कार्य कर रही हैं आपको भी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत हम लोग को बहुत मोटिवेशनल वो है और सच्ची आज़ादी तो यही है। निश्चित रूप से सच्ची आज़ादी यही है जब हमारे समाज के लोग हर जरूरतमंद के साथ कंधा से कंधा मिला के चले, उनके साथ मदद के हाथ बढ़ाएं, तो बड़ी बात है। यही सच्ची आज़ादी है, यही आज का संदेश है। इसी क्रम में संस्था की अध्यक्षा आभा पांडे जी हैं, पहले आपसे बात कर लें जी, क्या कहना चाहिए? मैं सिर्फ यही कहूँगी कि मैं इन बच्चों के बीच में आके आज इतना खुश हूँ कि कुछ कहने को नहीं। और रंजना दीदी ने जो ये बना रखा है ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं और मैं चाहूंगी कि मैं हमेशा इनके साथ रहूं, ये मेरे साथ हमेशा रहें, बस यही कहना चाहूंगी। निश्चित रूप से रंजना दीदी ने जिस तरह से संस्था चला रही हैं दिव्यांगों के लिए, दृष्टिहीनों के लिए, उनकी शिक्षा का प्रबंध पूरा किया गया, यहाँ उनके आवास की सारी व्यवस्था है, उनके खाने पीने का हर चीज, उनके भविष्य को लेकर आप काफी चिंतित दिख रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज ये कार्यक्रम हमारी आभा भाभी ने किया और सबको यहाँ इकट्ठा किया है, जो क्रिकेट मैच आभा भाभी के सौजन्य से हुआ है और इससे हमारा और आभा भाई के भाभी का जो प्रेम है वो अटूट हो गया है। और रह गई ये संस्था की बात, जैत भारतम संस्था 19 वर्ष पुरानी है और इस पूरी संस्था के संचालन का, इसको चलाने का पूरा श्रेय जैत भारतम परिवार के अध्यापकों को, हमारी छोटी बहन डॉक्टर रेणु अग्निहोत्री जो संस्था का पूरी तरीके से संचालन करती हैं, संस्था की डायरेक्टर हमारी छोटी बहन रश्मि अग्निहोत्री को जाता है। मेरा तो क्या, हमको बड़े होने के नाते लोग बुला लेते हैं, हम आ जाते हैं। शिक्षा के लिए स्पेशल एजुकेटर्स लगे हैं, वो स्पेशली ट्रेंड हुए हैं, उनकी ट्रेनिंग बॉम्बे से होती है और इनको फ्री ऑफ कॉस्ट फूडिंग है, लॉजिंग है और इनका रजिस्ट्रेशन जैसे MKSD स्कूल में है वहाँ से इंटर हाई स्कूल के एग्ज़ाम देते हैं, हमारे यहाँ रहते हैं, स्पेशल एजुकेशन इन्हें दी जाती है। और बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो BA कर चुके हों, जिन्हें विभिन्न संस्थानों में नौकरियाँ भी मिल चुकी हैं। इसी क्रम में यहाँ पर दृष्टिहीन छात्र हैं जो अपने भविष्य को लेकर यहाँ पर हैं और कहा जाए कि जहाँ चाह है वहीं राह है, क्या कहना चाहेंगे भैया? सर, नाम है आपका? मेरा नाम शिवम है और मैं यहाँ 2017 से पढ़ रहा हूँ, क्लास 6 में एडमिशन लिया था और यहाँ पे हमको बहुत अच्छा लग रहा है। आप किस क्लास में हैं? अभी इंटर पास किया, BA फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं। जी जी, यस सर। आज जिस तरह से संस्था के लोगों द्वारा आप लोगों के साथ समय दिया गया, एक अपनत्व जैसा लगा कि परिवार जैसा माहौल हमने भी देखा, क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस हो रहा है? सर, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। आज आज़ादी का जश्न भी है? यस सर, आज आज़ादी का जश्न है और सब लोग के साथ हमको बहुत अच्छा लग रहा है, क्रिकेट खेल के भी हमको बहुत अच्छा लग रहा है। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर जी। क्या कहना चाहेंगे आज? मेरा नाम पिंकू कुमार अग्रवाल है। आज का दिन हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन हम लोग को आज़ादी मिली थी। आज के दिन हम लोग को बहुत अच्छा, क्रिकेट खेलने में मज़ा आया और प्रोग्राम में भी मज़ा आया। और मैं यहाँ 2022 से पढ़ रहा हूँ, 11वीं कक्षा से एडमिशन लिया था, अब मैंने इंटर पास कर लिया, मैं BA में पढ़ता हूँ और मैं बच्चों को ब्रेल भी सिखाता हूँ। ये बच्चे आज इतना खुश हैं संस्था के लोगों के साथ घुल मिलकर, और संस्था के परिवार के भी बच्चे यहाँ शामिल हैं उन लोगों के साथ घुल मिलकर, जिस तरह से आज उनके चेहरे पर स्वतंत्रता दिवस की खुशी देखी जा रही है, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि संस्था ने एक अनोखा काम किया है और अनोखे ढंग से, अनोखे अंदाज में स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया है। इसी क्रम में एक दिव्यांगजन है जो यहीं रहकर अपनी पढ़ाई किए हैं, इनसे हम बात करेंगे कि यहाँ की संस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे और जिस तरह से श्री राम रामेश्वर सेवा ट्रस्ट द्वारा आज स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया है आप लोगों के साथ, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? पहले तो अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम जितेंद्र आज़ाद है जी और मैं डिस्ट्रिक्ट बस्ती से बिलोंग करता हूँ। जैती भारतम में मैंने पिछले 15 सालों से रह करके अपनी पढ़ाई पूरी की और अभी मैं यहाँ के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। और संस्था में मतलब हमें नॉर्मल तरीके से मतलब रखा जाता है और कोई ऐसा वो नहीं दिखाया जाता है कि हाँ आप लोगों को कहीं पर किसी चीज़ की कमी है। हम लोग अपना सुबह से उठ करके अपना जैसे नॉर्मल लोग अपना काम देखते हैं उसी तरीके से हम लोग ने भी अपनी नॉर्मल लाइफ जी है। और श्री राम रामेश्वर सेवा ट्रस्ट के इस जो आज आयोजन किया गया,
तो इसमें काफ़ी मज़ा आया। सुबह से हम लोगों ने तैयारियां की और फिर लंच के बाद हम लोगों ने एक क्रिकेट मैच खेला, जिसमें संस्था के साथ आए हुए नॉर्मल बच्चों ने ब्लाइंड बच्चों के साथ क्रिकेट खेला। वो भी सबसे उन्होंने अपने आप को आँखों में पट्टी बांध के उस क्रिकेट का मज़ा लिया और मुझे देख के काफ़ी आश्चर्य हुआ कि जो उनकी उम्र थी या जो उनका एजुकेशन था उसके लिहाज से उन्होंने काफ़ी अच्छे से आंखों पे पट्टी बांध के उन लोगों के साथ मैच खेला और बहुत अच्छा लगा ये देखकर। फिलहाल स्वतंत्रता दिवस आज अनोखे अंदाज में मना मानते हैं? जी बिल्कुल, ये एक नया अंदाज था और इसी अंदाज के साथ हर साल अगर नए अंदाज के साथ हम लोग सोच करके या फिर नई सोच रखते हुए स्वतंत्रता दिवस को मनाएंगे तो निश्चित है कि हम लोग एक नई ऊंचाई को एक नए मुकाम को छुएंगे। इसी क्रम में एक छात्र दृष्टिहीन छात्र हैं, इनका नाम सच्चिदानंद मिश्रा, इनसे भी हम बात करेंगे कि आज का दिन जिस तरह से यादगार बनाया गया है श्री राम रामेश्वर सेवा ट्रस्ट की ओर से, क्या कहना चाहेंगे? सर कहना चाहेंगे कि कहते हैं ईश्वर ने चोच दी है तो दाने की भी संपूर्ण व्यवस्था अवश्य की है, मात्र माध्यम अलग अलग हैं, परंतु शर्त यह भी है कि उन माध्यमों के प्रति कृतज्ञ भाव रखने में तनिक भी चूक न करें। मैं सच्चिदानंद दशकों से संस्था जैति भारतम के आवासीय परिसर में रह रहा हूँ। आज उन सभी के प्रति संस्था की ओर से प्रतिनिधित्व कर आप सभी सहज सरल व्यक्तियों को हृदय तल के गहराइयों से कोटि कोटि नमन एवं धन्यवाद कि मुझ जैसे विषम परिस्थितियों से जूझ रहे अनेकों अनेक छात्रों के पौधे रूपी जीवन को आप द्वारा यथासंभव बिना प्रदान सहयोग अग्रणी भोजन ने हमारे जीवन को कभी मुरझाने नहीं दिया। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, प्रणाम। निश्चित रूप से देखा जा रहा है कि जयति भारतम के जो बच्चे हैं इनके चेहरों पर जो खुशियां आज देखी जा रही हैं ये इनके लिए अविस्मरणीय हैं और निश्चित रूप से इन लोगों ने अपेक्षा की इस तरह लोग अगर मदद के हाथ बढ़ाएं इनके साथ एक समरसता एक ऐसे रिश्ते को संवाद स्थापित करें जिनके लिए ये हमेशा परेशान रहते हैं, उसकी चाहत रहते हैं, ज़रूरत भी है इसी चाहत की। और इस तरह से श्री राम रामेश्वर ट्रस्ट ने जिस तरह हाथ बढ़ाए हैं अपने मदद के इन लोगों के साथ इनके चेहरे पर खुशियां बिखेरने का जो आज काम किया स्वतंत्रता दिवस के लिए वाकई सराहनीय काम है। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज भारत। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।